हेलो जी, राम राम जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? सब अच्छे होना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं ग्रेजुएशन में, देखते हैं अंदर क्या क्या है। फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला हूं, तो आप सबको भी मैं दिखाऊंगा अगर कैमरा अलाउड होगा अंदर तो। वैसे मेरे हिसाब से होगा तो जी आइए। बाकी अभी मैडम जी फुल हीरोइन ये आने वाले टाइम की एक्टर। वाह, एंट्री देखो आप, क्या भाई लग्जरी। वाह क्या बात, वाओ। यस, नमस्कार जी। मेरा यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल था और ना मुझे इन सब के बारे में कुछ नॉलेज थी, ना ही पता था। मेरी तरह आप भी काफ़ी लोग छोटे शहरों से, गांव से, मतलब विलेज से, मतलब छोटे शहरों से होंगे। आपको भी सिर्फ सोने और चांदी तक ही मालूम होगा, जैसे कि मुझे मालूम था। लेकिन उसके आगे भी बहुत दुनिया है। तो उससे आगे जो सबसे बड़ी दुनिया है ना, वो डायमंड की है। आज के टाइम में डायमंड का बहुत ही नाम है, बहुत ही वैल्यू है। अगर आप एक लग्जरी चीज़ में जाते हो ना, तो लग्जरी जो लोग हैं, जो एक पावरफुल लोग हैं या थोड़े से रिच हो जाते हैं, पैसा आ जाता है अच्छा, तो एक वो डायमंड ज़रूर परचेज करते हैं। तो डायमंड की अगर आप लाइन में जाना चाहते हो ख़रीदने के लिए या देखने के लिए, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एग्जीबिशन अटेंड किया है, तो सच में मैंने एक से एक चीज़ देखी, जो कि गोल्ड उनके आगे ना बिल्कुल पानी है, मतलब है ही कुछ नहीं गोल्ड। तो आप में से किसी का भी डायमंड में इंटरेस्ट हो तो सामने एड्रेस आ रहा है, शोरूम विज़िट कीजिए, देखिए, बात कीजिए, अच्छा लगे तो परचेज़ कीजिए। लेकिन मेरी गारंटी है कि आप गोल्ड से जब बाहर निकलोगे ना, तो एक अलग ही लेवल की दुनिया है, अलग ही लेवल है डायमंड का। तो मैंने तो परचेज़ किया है, तो आप भी कीजिए, मैं आपको भी दिलवाना चाहता हूँ।